नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पद के लिए जो स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ का हड्डी है। दोस्तों, इस रीढ़ की हड्डी जो कि स्वास्थ्य विभाग की है, उस पद के अंदर हम एक महत्वपूर्ण पद जैसे आशा, उसके बाद जो पद CHO। दोस्तों, आशाओं को एक स्वास्थ्य विभाग की प्राइमरी स्टेज का एक एम्प्लॉय बोला जाता है। दोस्तों, CHO जो है एक नया पद है। दोस्तों, अब काफ़ी सरकारों द्वारा, बड़े बड़े नेताओं द्वारा CHO को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। दोस्तों, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी मजबूती है, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि सर, इस मैटर पे ज़रूर से वीडियो बनाएं, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, CHO की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, सर क्या हम लोगों को ये CHO की पोस्ट को ज्वाइन करना चाहिए क्या? तो दोस्तों, CHO एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, एक ये संविदा के अंदर आने वाली जॉब है। क्या ये CHO जॉब परमानेंट होगी क्या? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दोस्तों बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2018 के अंदर ये लॉन्च हुआ है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बहुत सारे डेवलप किए गए हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कमी थी। हर एक गांव के अंदर डॉक्टर काम नहीं करना चाहते थे, उनको रिप्लेस करके CHO को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के पोस्टेड किया गया। दोस्तों, सरकार की मंशा साफ थी कि रूट, ग्रास रूट लेवल पर एक डायग्नोस्टिक सर्विसेज को, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जांच के बारे में मेनली CHO को वहां पे रखा गया। दोस्तों, 25,000 सैलरी प्लस 15,000 इंसेंटिव। दोस्तों, 15,000 का एक इंसेंटिव का लालच देकर और कुल 40,000 सैलरी बताकर CHO को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर रखा गया। दोस्तों, 2018 के बाद 5 साल बीतने को है और 2023 आ चुका है। दोस्तों, आज भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रियाशील कंडीशन पे नहीं है। दोस्तों, मैक्सिमम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की कंडीशंस ऐसी है, कहीं पे भवन नहीं है, कहीं पे बिजली नहीं है और कहीं पे एक कमरे के अंदर, जैसे कि कुछ सरकारी संस्थाओं के अंदर या फिर कुछ प्राइवेट रूम के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हो रहे हैं। दोस्तों, सच्चाई सिर्फ यही है, CHO को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक कमरा है। जहाँ पे कमरा है वहाँ गेट नहीं है, जहाँ गेट है वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम, महिला कर्मियों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से CHO को वहाँ नियमित कर दिया ताकि सरकारों को दिखाना था कि कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोगों ने 3 से 4 साल के अंदर जनरेट कर दिए और CHO को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। दोस्तों, एक मोटी रकम लगती है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने में और वहाँ पे CHO को ब्रिज कोर्स करवा के और वहाँ पे अपॉइंट करने में। दोस्तों, इतना मोटा पैसा खर्च करने के बाद में अभी तक इसका रिजल्ट कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में CHO को वहाँ पे आप लोगों ने रख लिया है और दोस्तों लाखों की संख्या में CHO को वहाँ पे अपॉइंट करने के बाद और मैक्सिमम 99% स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमाम उन प्रदेशों के अंदर दोस्तों जहां CHO कार्यरत है, हर जगह कोई ना कोई समस्याएँ CHO के साथ है ही। दोस्तों, कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि दोस्तों ये एक संविदा की नौकरी है। दोस्तों, संविदा की नौकरी में इतना बड़ा झोल होता है कि दोस्तों सैलरी समय पे नहीं आती है, इंसेंटिव के बदले रिश्वत लिया जाता है और मानसिक प्रताड़ना की जाती है। दोस्तों, अगर आप CHO हैं, अगर आपके साथ ये सब होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार हमें बताइएगा। अगर आप लोग नर्सिंग ग्लोब से नहीं जुड़े हैं, आप अपनी समस्याओं को हमारे तक रखिए। दोस्तों, हम लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ये समस्याओं को नेताओं तक पहुँचाते हैं, उन्हें टैग करके। दोस्तों, ज़रूर से आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे रख सकते हैं। दोस्तों, CHO के नियमितीकरण की अगर हम बात करें तो दोस्तों CHO
का कोई कैडर नहीं है। बिना कैडर के किसी पद को नियमित करना असंभव है। तो दोस्तों सबसे पहले CHOs का एक कैडर बने। केंद्र सरकार ने दबाव डाला था राज्य सरकार पे कि आप लोग अगर चाहे तो इसे परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिना कैडर के इसको परमानेंट करना मुमकिन नहीं है दोस्तों। ना ही कोई मजबूत संगठन है किसी भी राज्य के अंदर CHOs का, और दोस्तों बिना मजबूत संगठन के, बिना संघर्ष के कोई भी कैडर नहीं बनता है दोस्तों। इसे कैडर बनाने के लिए सभी CHOs को एक होना होगा। फिर कैडर बनने के बाद इसे NHM से बाहर लाकर दोस्तों इसका एक अलग से कैडर बना के NHM से बाहर लाके ही इसे परमानेंट किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी डायरेक्टली कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। CHOs की नियमित भर्ती तभी आ सकती है जब ये एक नया कैडर बने। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और CHOs की हो रही इस प्रकार की दुर्दशा के खिलाफ कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।